अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स कंपनी के कुछ मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आंदोलन के तीसरे दिन भी कर्मचारी व कंपनी प्रशासन अपनी अपनी बात पर अड़े रहने के कारण कोई समाधान नहीं निकाल सके। मौदा तहसील के तारसा, आष्टी, नवेगांव, चाचेर के सैकड़ों कर्मचारी पिछले 9 सालों से अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी प्रबंधन हमें दूसरों से ज्यादा काम दे रहा है और इस काम के बदले में कम भुगतान कर रहा है। कंपनी ने हमें 9 साल में केवल 30 रुपए प्रति वेतन वृद्धि दी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों ने बताया कि वे इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इतनी कम सैलरी में दुनिया की गाड़ी खींचना संभव नहीं है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का आरोप है कि कंपनी के गेट पर 2 मजदूरों को जमकर पीटा गया और नौकरी से निकाल दिया गया। अपनी मांगों के समाधान के लिए उन्होंने कंपनी के यूनिट हेड गजेंद्र सिंह, एचआर हेड शंभुनाथ उपाध्याय और केंद्र सरकार व राज्य सरकार के श्रम कल्याण विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर इस विवाद को सुलझाने और न्याय दिलाने की मांग की है। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की गई। हालांकि अधिकारियों के अपने रुख पर अड़े रहने के कारण कोई समाधान नहीं निकल सका। कर्मियों ने यह भी कहा कि उन्होंने विकल्प के तौर पर आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी बीच सांसद श्याम कुमार बर्वे, आशीष जायसवाल, राजेंद्र मुलक, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष नंदा लोहबरे ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा कर इस दरार को सुलझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इस अवसर पर तारसा के उप सरपंच चंद्रशेखर गब ने, पुलिस पाटिल शुभम गब ने, आशीष मेहर, नीलेश भोले, विजय टाले, तुकाराम मेहर उपस्थित थे। कंपनी के अधिकारियों ने आंदोलन पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। माझं नाव आकाश रामेश्वर जिंगे, राहणार नवेगाव। मी अल्ट्राटेक नागपूर सिमेंट वर्क इथे 7 वर्षापासून कंटिन्यू काम करत आहे। या प्लांटला 9 वर्ष झाले। 9 वर्षापर्यंत इथे आजपर्यंत पेमेंट वाढ झालीच नाही आहे। जो अगोदर 9 वर्षाअगोदर जो पेमेंट होता, आता पण 9 वर्षाबाद तोच पेमेंट आहे। माझे 7 वर्ष झाले, फक्त 7 वर्षामध्ये 30 रुपयाची वाढ झाली। ते असंच जसं आम्ही आंदोलन केलं होतं, त्या आंदोलनानुसार ते 30 रुपये वाढवण्यात गेले होते। 30 रुपयावर आजपर्यंत 1 रुपया वाढवला नाही आहे। त्याच पेमेंटवर आज आम्ही काम करत आहोत। मागणी काय आहे? आमची मागणी आहे का आम्हाला 150 रुपये पर डे आम्हाला पेमेंटला यावेळेस यावं लागून, या मंथली, या मंथपासून। आणखी आणि जे सोय आहे इथे, जसं चाय नाश्ता बंद केला होता ते चालू करावं, गुडची व्यवस्था, चाय बी आम्हाला कुपन सिस्टमनुसार देण्यात यावं, आणि लेबरला जे काही दुसऱ्या कामावर लागायचे आहे, मोठ्या कामावर जसे ते शिकले आहेत त्या कामावर त्यांना लावा। आणि मेन म्हणजे इथं जे यशवंतराव डांगरे आहे, तो आमच्या एक इथं मेन दुश्मन आहे। तो कंपनीच्या फेवरचा माणूस आहे, कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो। आम्ही आज आंदोलनावर बसलो, तो धमक्या देत आहे, कंपनीला प्रोत्साहन करत आहे की हे काही नाही करू शकत, हे फक्त 1-2 दिवस बसणेवाले आहेत आणि असेच उठणेवाले आहेत। लास्ट बॉल में छक्का मारने के लिए ऐसा वो डांगरे बोल रहा है। म्हणजे तो एकदम कंपनीच्या साईडनी आहे ना, आणि लेबरच्या विरोधात आहे। आमचं मागणं हे आहे कंपनीला आखरी, की डांगरे को हटाओ, कंपनी बचाओ। अगर या डांगरे रहेंगा तो हम नहीं जाएंगे, डांगरे निकलेंगा तभी हम कंपनी में जाएंगे। बीसी न्यूज के लिए मौदा से अचल तिजारी की रिपोर्ट। Go hatchin', go awesome.